दोस्तों नमस्कार। आज हम थोड़ा सा रेकी से अलग हट के बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कल सुबह 9 बजे कुछ कहा देश से, देश के लिए अपना संदेश दिया। शायद ये वो संदेश है जिससे हम एक डर को भगा दें और एक नई सुबह की शुरुआत भारतवर्ष में हो जाए। मोदी जी ने सभी से निवेदन किया, सभी भारतवासियों को उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए सारी लाइट्स को ऑफ करना है और हमको घर में जलाने हैं दिए, मोमबत्ती या फिर कोई भी फ्लैश लाइट। 9 बजे सुबह उन्होंने संदेश दिया, रात के 9 बजे उन्होंने करने के लिए हमसे कहा और 9 मिनट हमसे करने के लिए कहा। यानी कि स्पष्ट है, न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम बात करें तो यानी एक अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है। न्यूमरोलॉजिकली भी 9 नंबर अंत का प्रतीक है और उसके बाद होती है एक नई शुरुआत। तो हो सकता है ये हमारे लिए भी एक अंत हो, उस फियर का अंत हो जो कि अभी तक हम पिछले समय से जिसमें जी रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हम सभी घर में बैठे हुए हैं लेकिन दिन रात इस फियर के साए में हम लोग जी रहे हैं कि कभी हमको अटैक ना हो, वायरस कहीं हमसे हमको अटैक ना करे, कहीं हम बीमार ना हो जाएं या हमारे दोस्त हमारे परिवारजन कहीं इस वायरस से अफेक्टेड ना हो जाएं, कहीं हम कुछ हो ना जाए किसी को। हम सब इसी डर में जी रहे हैं, जाने और अनजाने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि हम जानकर और अनजाने में उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम 130 करोड़ भारतीय लगातार उसी भय के साए में तो जी रहे हैं, यानी हम वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स को भी दे रहे हैं, वही डर, वही बीमारी और दिन रात वही वायरस की बात, वही चीज हम यूनिवर्स को दे रहे हैं। तो यानी जो हम दे रहे हैं वही हम पाएंगे। तो लगातार हम यही सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ईश्वर ना करे कि कभी ऐसा हो जाए। तो यही कारण है कि हम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो शायद एक कदम एक नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए है। हर अंधेरे के बाद जैसी सुबह आती है तो उसी तरह 9 मिनट का अंधेरा, 9 मिनट अंधेरा यानी सोचना है हमको, उस डर को भगा देना है उस अंधेरे में, ताकि जब 9 मिनट बाद उजाला आएगा तो हम सब एक नए भारत के लिए सोचेंगे, भयमुक्त भारत के लिए हम भयमुक्त भारत में हम जिएंगे। जिस डर के साए में हम जी रहे हैं उस डर को हमें भगा देना है, एक कॉन्फिडेंस को हमें अपने अंदर पैदा करना है कि हम एक वायरस ही तो है, हम इससे भी जीत सकते हैं। शायद कुछ ऐसा ही मकसद है जो एकजुट पूरे देश को किया जा रहा है। पूरे देश की भावनाएं जब इस तरफ जुड़ेंगी कि हम अंधकार को भगा सकते हैं, 9 मिनट का अंधेरा और उसके बाद रोशनी, यानी शायद यही है कि हम अंधेरे को हरा सकते हैं, अंधेरे को हराकर रोशनी जरूर आएगी। तो 9 मिनट हम क्या करें, मंत्र का जाप करें, सभी लोग इस संदेश को फॉलो करें। 9 मिनट जो आप अंधेरा करके दिया जलाएंगे उस बीच में आंखें बंद करके बैठें और मंत्र का जाप करें। 130 करोड़ भारतीयों ने अगर मंत्र का जाप भी कर लिया तो हमारी प्राचीन संस्कृति है कि मंत्रों के जाप से कितनी फ्रीक्वेंसी पैदा होगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जो मंत्र आपको आता हो वो मंत्र आप जाप करें। आप चाहे गायत्री मंत्र बोल लें, आप चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलें, और अगर आपको कुछ भी ना आता हो तो आप ओम का जाप करते रहें। 9 मिनट आप करते रहिए। जो मंत्र आप जानते हैं, जो भी मंत्र आपको उच्चारण करना आता हो ठीक से, उस मंत्र को बैठकर जाप करें। सोचिए कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी वाइब्रेशंस जनरेट होंगी अगर आपका पूरा परिवार भी बैठकर मंत्र 9 मिनट जाप कर रहा है, और वैसा ही हर परिवार बैठकर अगर कर रहा होगा तो कितनी एनर्जी क्रिएट होगी यूनिवर्स में। तो साथियों ये समय है उस डर को भगाने का और एक अच्छे भारत की ओर कदम बढ़ाने का। तो मेरे सभी फॉलोअर्स, सभी व्यूअर्स, सभी से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस संदेश को फॉलो करें।
5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए जरूर लाइट्स को ऑफ रखें और 9 मिनट बैठकर मंत्रों का जाप जरूर करें। थैंक यू।